अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कुछ हालात ऐसे बने, कुछ गलत निर्णय ऐसे हुए, मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई और आज रोजगार नहीं मिल रहा है। जो रोजगार में थे उनकी नौकरियां जा रही हैं। बच्चों के पालकों ने बैंकों से कर्जा लेकर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, MBA की डिग्री दिलवाई और अनेक क्षेत्रों में उन्होंने डिग्रियां ली, लेकिन वो बच्चे जब डिग्री प्राप्त करके लौटे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, बैंकों का रीपेमेंट शुरू हो रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और हमारे राष्ट्रीयता की परिभाषा को परिभाषित करने की जवाबदेही और जिम्मेदारी कुछ लोगों ने ले ली है। आप ये कहो तो आप राष्ट्रीय हैं, देशभक्त हैं, और ये बात से आप सहमत नहीं हो तो आप देशद्रोही हो। देशभक्ति की परिभाषा आज कुछ चंद लोग मिलकर तय कर रहे हैं, यही हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ये वर्ष 150वां वर्ष है महात्मा गांधी की जयंती का। महात्मा गांधी के बारे में भी अनर्गल बातें आज व्हाट्सएप पर आती हैं। हमें इस बात पर हैरत होती है, चिंता होती है, दुख दिल दुखता है जब महात्मा गांधी, जिसको विश्व में एक ऐसा की महान शख्सियत जो पैदा हुआ हमारे देश में, जिसे आइंस्टाइन को तो आप जानते हैं, फेमस साइंटिस्ट, नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा था कुछ दिनों में लोग इसको महसूस भी नहीं करेंगे कि ऐसे हाड़ मास का व्यक्ति इस विश्व में पैदा हुआ था, जिसको सर्व जानते हैं, जिसे पूरे विश्व ने इज्जत मिली है, जिसने अहिंसा के रास्ते पर चलकर उस ब्रिटिश हुकूमत को हरा दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत के राज पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। अहिंसा के रास्ते पर चलकर, सद्भय और सद्भाव के रास्ते पर चलकर उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, प्रजातंत्र दिया, अपना नेता, अपना प्रतिनिधि, अपनी सरकार चुनने का हक दिया। उसकी, जिस व्यक्ति ने हत्या की, उस व्यक्ति को आज कुछ लोग उसे देशभक्त कहते हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं होती। इसलिए मैं चिंतित हूं और इस बात को आपको मैं समझाना चाहता हूं कि थोड़ा सोचिए। वो अहिंसा का पुजारी जिसने जीवन बिता दिया इस देश को आजाद करने में, जिसने इस देश को की गुलामी की जंजीरों से छुड़ाया, उस व्यक्ति की हत्या करने वाले व्यक्ति को जब देशभक्त कहा जाएगा तो ये देश, हमारे देश के लिए अपमान है, ये हमारे भारत का अपमान है और मानवता का भी अपमान है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर किस हालात में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर करके, अपनी नौजवानी जेल की सीखचों में रहकर इन देश को आजाद
कराया, उसके बाद आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि हम लोग अपने पड़ोसी पर भी भरोसा नहीं करते। ये देखते हैं, नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, ये पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, ये पूछते हैं कि तुम किस बिरादरी के हो, उस पर हम तय करेंगे कि तुम्हारे से हमारा संबंध होगा कि नहीं होगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इसीलिए आज राहत भाई आपने जो हमसे कहा है, आज दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए लंबा भाषण नहीं देना चाहिए। मैं तो आपसे एक ही बात करूंगा, जब यहां से आप निकलें तो राहत भाई की बातें जरूर याद रखिए। तुम हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, चलो छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। यही बात हम लेकर जाएंगे।